अनलॉक वन के तहत जिला कांगड़ा में मॉर्निंग वॉक का समय बदल दिया गया है। अब लोग सुबह 5 से 6 बजे तक मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे। पहले सुबह 5:30 से 7 बजे तक समय निर्धारित किया गया था। ये जानकारी उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने दी। उन्होंने बताया कि अनलॉक वन शुरू हो चुका है और कांगड़ा जिला में कर्फ्यू 8:00 से 6:00 बजे तक होगा। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए 6:00 बजे से लेकर 8:00 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। मॉर्निंग वॉक के लिए 5:00 से 6:00 बजे तक का समय निर्धारित किया है। बस का आवागमन 7:00 से 7:00 बजे तक ही होगा। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में अब क्वारंटाइन अवधि 14 दिन की होगी। पहले ये 28 दिन की हुआ करती थी। जिला के अंदर क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। दूसरे जिला से आने वाले लोगों की भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। साथ ही जो लोग दूर से कांगड़ा जिला में काम आदि के लिए आते हैं उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कांगड़ा जिला से दूसरे राज्य में जाता है और 48 घंटे में वापस भी आ जाता है तो उसको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई 48 घंटे से ज्यादा समय लगाता है तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि पता है आप लोगों को कि अनलॉक वन शुरू हो गया है आज से, और उस संबंध में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के दिशा निर्देश आए हैं उस अनुरूप कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें जो हमारा कर्फ्यू आवर्स है वो 8:00 से 6:00 बजे तक रहेगा, और जो कर्फ्यू का ढील का समय हुआ उसी अनुरूप से 6:00 से 8:00 बजे तक होगा। एक छोटी सी एक्सेप्शन जरूर रखी गई है, जो हमारे वृद्ध लोग हैं जो या हमारे बच्चे हैं जो सुबह दौड़ लगाते हैं या जॉगिंग करते हैं उनके लिए 5:00 से 6:00 बजे की भी छूट रहेगी। और चूंकि अब कर्फ्यू आवर्स के रिलैक्सेशन का टाइम बढ़ा दिया गया है, दायरा लगभग 14 घंटा हो गया है, सो दुकानों का खुलने का समय, ऑफिसेज का खुलने का समय स्वतः जिस प्रकार से पहले चल रहा था उस अनुरूप चलेगा। जहाँ तक पास सिस्टम की बात की जाए तो पासेस में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पहले से हमने बंद कर रखा था और इंटर डिस्ट्रिक्ट अब बंद कर दिया गया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट पासेस मतलब विद इन हिमाचल, आपको कहीं भी आने और जाने के लिए कोई भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं और 48 घंटे के अंदर वापस आते हैं तो भी आपको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पास अगर वहाँ पर जरूरी है तो आप यहाँ से पास लेकर जाएं। और जो लोग बाहर से आएंगे, दूसरे स्टेट से हमारे पास हिमाचल प्रदेश में आएंगे, उनको अभी भी पासेस की जरूरत होगी। साथ ही साथ जो हमारे ऑफिसेज हैं वो खोल दिए गए हैं, अब 100% अटेंडेंस के साथ हमारे ऑफिसेज चलेंगे। बसेस के बारे में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, 60% कैपेसिटी के साथ बसें चलेंगी और जो आज से दौड़ना शुरू हो गई हैं। लेकिन जो बसेज का चलने का समय है वो 7:00 से 7:00 बजे तक का है। इसके अलावा जो बहुत सारा कन्फ्यूजन था लोगों को, और बहुत सारे लोग हमारे पास भी फोन्स कर रहे थे कि जो शादियां हैं, फ्यूनरल्स हैं, उसमें क्या अटेंडेंस रह सकती है, तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैरिजेज में 50, अधिकतम 50, और फ्यूनरल्स में अधिकतम 20, इसकी लिमिट MHA द्वारा रखी गई है। और उसी अनुरूप से यहां जिला कांगड़ा में भी आने वाले समय में जो आयोजन होंगे, और इसके लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। अभी भी कई लोगों के फोन आते हैं, लोग बोलते हैं कि क्या SDM ऑफिस से या DC ऑफिस से इनके लिए परमिशन लेने की जरूरत है, किसी भी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई भी और सोशल फंक्शन अभी भी अलाउड नहीं है। जो केसेस की स्थिति है जिला कांगड़ा में, इस वक्त टोटल 87 केसेज अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से 54 एक्टिव हैं और 32 हैं जो रिकवर्ड हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं, एक डेथ हुई है। टोटल जो टेस्ट अभी तक जिला कांगड़ा में हुआ है वो 7,198 है, तो टेस्ट करने की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जिला कांगड़ा में लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं खास करके जो लोग बाहर से आ रहे हैं, रेड जोन से खास करके जो लोग आए हैं उनका मैक्सिमम टेस्ट किया जा सके। आज भी लगभग 400 सैंपल हमारे लगे हुए हैं। जहाँ तक होम क्वारंटीन की बात है, 53,320 लोगों ने अपना होम क्वारंटीन पूरा किया है, 53,320, और 26,268 लोग अभी भी होम क्वारंटीन में हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में इस वक्त हमारे पास 785 लोग हैं, जिसमें से होटल्स में जो लोग हैं जो प्राइवेट पेड क्वारंटीन में वो लगभग 115 लोग हैं। एक छोटा सा बदलाव रहेगा, जो रेल से लोग आ रहे हैं, जो एरोप्लेन से लोग आ रहे हैं, जो तो लोग अमृतसर में आ रहे हैं, गगल में आ रहे हैं, चंडीगढ़ में, वो डायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार उनको 7 दिन वहीं पे पेड क्वारंटीन में रखा जा रहा है। 7 दिन के बाद जब वो हमारे पास आएंगे
तो उनका कोशिश किया जाएगा कि पहले 2 दिनों के अंदर टेस्ट किया जाए, अगर वो नेगेटिव है तो उनको घर भेज दिया जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो उनको फिर हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उसमें रखा जाएगा। आज भी अभी जो लोग आने वाले समय में होम क्वारंटीन में रखे जाएंगे और अगर वो इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटीन को वायलेट करते हैं तो उनको 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा, जो पहले 28 दिन था। इसके अलावा जो लेबर बाहर से आ रही है, बहुत सारी जो लेबर है बाहर के राज्यों से हमारे पास आने लग गई है, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या J&K हो, वहाँ से जो लेबर आ रही है उसको हम क्वारंटीन नहीं करेंगे किसी इंस्टीट्यूशन में, उनको प्राइवेट क्वारंटीन में ही रखा जाएगा। प्राइवेट का यहाँ अर्थ है जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं वहीं पे वो क्वारंटीन रहेंगे, नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन इकोनॉमी को गति देने के लिए अति आवश्यक है कि वो जैसे ही हमारे पास आते हैं उनसे हम काम लेना शुरू कर सकें। और ऐसे हमने कोशिश की है कि ऐसे 17 मेजर वर्क्स हैं जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की आय बढ़ाई जा सके। ऐसे 17 मेजर वर्क्स हैं जो किसानी, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, इसमें जो इंडिविजुअल वर्क्स हैं उन कार्यों को शुरू किया गया है। और हमने टारगेट दिया है कि हर पंचायत में लगभग 30 वर्क्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुरू किए जा सकें। और अगर इससे संबंधित किसी को भी कोई कंप्लेंट होती है तो 1100 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर कंप्लेंट कर सकता है कि किसी को अगर कार्य नहीं मिल रहा तो यहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है। और इसके लिए अभी तक जो हमने शुरुआत की है इस महीने में लगभग 1 लाख मैंडेट हमने लोगों को प्रोवाइड किया है और इसमें 2.71 करोड़ के वेजेज अभी तक हमने लोगों को दिए हैं और लगभग 10,000 जो फैमिलीज हैं इसका बेनिफिट अभी तक उठा चुकी हैं। तो ये तो हमारी तरफ से था, जिला प्रशासन की तरफ से। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।